टुडे वी आर गोइंग टू कवर टॉप 10 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, और ये जो हम रैंक देने वाले हैं इन कॉलेजेस के जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इशू किया है 2020 की रैंकिंग है ये सारी। और ये जिस इंस्टीट्यूट ने इशू किया उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर ये आते हैं, NIRF इसकी साइट है, आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हो। उसमें सारी आपको रैंक मिल जाएगी हर कॉलेज की, हर इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की, सब चीज़ की। तो मैंने लॉ के अंदर उसके अंदर जो लिस्ट आई है उनके आपके सामने रखने जा रहा हूँ टॉप 10 जो है। और ये हमारे श्री पोखरियाल जी ने इशू किया जो HRD मिनिस्टर है हमारे देश के। तो अब मैं कवर करने जा रहा हूँ एक एक करके फ्रॉम 10 अपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एट नंबर 10 वी हैव राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो कि पंजाब के पटियाला में है। और इन सबको एक स्कोर दिया गया है, उन्हीं के बेसिस पे इनको रैंक दी गई है। स्कोर देने के लिए कुछ पैरामीटर्स नापे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग दिए गए। तो उन पैरामीटर्स में जो इसका स्कोर आया 55.19। एट नंबर 9 वी हैव जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका स्कोर है 57.93। एट नंबर 8 वी है सिम्बोसिस लॉ स्कूल, महाराष्ट्र के पुणे में है, इसको भी पैरामीटर पे स्कोर दिए गए हैं 59.59। नेक्स्ट वी हैव गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में नाम से ही पता चलता है यूनिवर्सिटी का, जो कि गुजरात के गांधीनगर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वी हैव वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस, ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है और इसके पैरामीटर्स पे स्कोर दिए गए हैं 63.32। नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारा आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, जो कि राजस्थान के जोधपुर में है, इसका स्कोर दिया गया है 64.29। एट नंबर 4 वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ IIT के अंदर एक ब्रांच, एक साइड में कैंपस है जो जिसका प्रॉपर नाम है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, खड़गपुर में है वेस्ट बंगाल के, और इसका स्कोर है 71.44। पैरामीटर्स पे जो मैंने बताया था उस पर से। अब एट नंबर 3 वी हैव नेल्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो कि हैदराबाद में है तेलंगाना स्टेट के, इसका स्कोर है 73.12। पैरामीटर्स के बेसिस पे दिए गए हैं और मैंने इनकी दिखा रखा है कि इनकी जो बिल्डिंग है वो कैसी दिखती है, देख सकते हो। और ये है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, इसमें एडमिशन होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, इसको स्कोर दिए गए हैं 74.02। एट नंबर 1 वी हैव नन अदर देन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में है, इसको स्कोर दिया गया 78.99। एंड जो हमारा सोर्स है वो ये रहा नेशनल इंडियन रैंकिंग 2020 फ्रेमवर्क, जो कि रिलीज किया गया है, बता दिया मैंने स्टार्टिंग में। और अगर आपको इन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये क्लैट के थ्रू होते हैं, मोस्ट ऑफ यहाँ पे जितने भी नेशनल लॉ कॉलेज होते हैं या NLU, वो सब क्लैट के थ्रू होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है। तो उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक होती है तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ द डे, आपको पसंद आई हो या आप किसी और वीडियो पे चाहते हो टॉप 10 कोई भी चीज़, ब्रांड, एजुकेशन, कोई कॉलेज, किसी भी चीज़ पे हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम 2 दिन के अंदर वो वीडियो लेके आ जाएंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड से प्राउड इंडियन, प्राउड टू बी एन इंडियन, बाय।